नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी, तो चलिए जानते हैं बिहार से जुड़ी अब तक की खबरों की ओर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने निकाली रिक्तियां। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने 202 जूनियर रेजिडेंट के पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मेडिकल काउंसिल से MBBS और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 फरवरी तक SHS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट www.drrmlims.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक से जाकर ले सकते हैं। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी की गाइडलाइन। बिहार में अब कक्षा 6 से लेकर 8 तक की क्लासेस का संचालन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं अब स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत स्कूल खुलने के साथ ही कुल क्षमता के साथ 50% की उपस्थिति पहले दिन और शेष 50% छात्रों को दूसरे दिन स्कूल बुलाने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही अब स्कूलों में शिक्षकों की पूरी उपस्थिति होने वाली है। इसके साथ ही सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 2 मास्क का वितरण जीविका के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने विद्यालय खोलने की पूर्व की तैयारी के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी है। अप्रैल मई महीने में होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा। बिहार के दौरे के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मार्च या अप्रैल महीने में आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह के खास कार्यक्रम का हिस्सा बने राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी खुद भी आएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा भवन शताब्दी समारोह 7 फरवरी से आरंभ होगा और अगले 1 साल तक चलेगा। अप्रैल मई महीने में इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और पीएम मोदी भी भाग लेंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की ओर से अनुरोध किया गया है, जिसकी जानकारी प्रेस दीर्घा सलाहकार समिति की बैठक में स्पीकर ने दी है। सीतामढ़ी के पंथ पाकड़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। माता सीता व भगवान राम व परशुराम संवाद स्थल धाम के रूप में जाना जाने वाला पंथ पाकड़ धाम जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित बथनाहा प्रखंड में स्थित है। मान्यता है कि जनकपुर में माँ सीता की डोली अयोध्या के लिए जा रही थी तो इसी पंथ पाकड़ गाँव में रुकी थी और यहीं पर भगवान राम व परशुराम के बीच संवाद हुआ था एवं परशुराम ने राम को अयोध्या जाने का रास्ता यहीं से दिखाया था। यहीं पर माँ सीता ने विश्राम के बाद एक पाकड़ के पेड़ की डाली को तोड़कर दातून किया था और दातून के चीरा पास में ही फेंक दिया था, जिसका नतीजा हुआ कि इस स्थल पर पाकर का पेड़ उगाया। मां जानकी की डोली स्थल पंथ पाकर में लोग दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं। इस बात की चर्चा तुलसीदास व वाल्मीकि रचित रामायणों में भी है। अब PhD प्रोफेसर को बनाया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। शिक्षक गण कृपया ध्यान दें, आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नए नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके तहत आने वाले समय में यानी कि 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ PhD की डिग्री अनिवार्य करने की बात कही गई है। इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले समय में अब नेट JRF का महत्व बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। इसको लेकर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में एक विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा कर दी है। अगर उक्त निर्णय को UGC इस साल अधिसूचित करती है तो 1 जुलाई 2021 से पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। बिहार में प्रवासी पक्षियों की होगी अलग पहचान। राज्य में हर साल नवंबर महीने में आने वाले प्रवासी पक्षियों सहित देसी पक्षियों की पहचान करना आसान होगा। उनकी पहचान और सुरक्षा के लिए भागलपुर स्थित बिहार के इकलौते बर्ड्स रिंगिंग स्टेशन में अब तक लगभग 91 पक्षियों के पैरों में रिंग पहनाए गए हैं। प्रवासी पक्षी फरवरी के बाद लौट आते हैं। आपको बता दें कि इन पक्षियों को रिंग पहनाने की कवायद नवंबर 2020 में ही बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से शुरू हो चुकी थी। हालांकि अब फिर से नए सिरे से शुरुआत की गई है। राज्य सरकार ने BNHS के साथ 5 साल तक के लिए करार कर लिया है। आपको बता दें कि रिंग के माध्यम से प्रवासी और देसी पक्षियों के प्रवास, विकास, संख्या, उड़ान मार्ग और प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा कवरेज के दायरे में मात्र बिहार के 14% लोग। बिहार में स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बिहार की स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सिर्फ 14% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीमा कवरेज करवाया हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य बीमा का कवरेज 14.6% है। राज्य की जनता को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ दिया जाए तो 45% से अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा कवरेज में शामिल हो जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 1.8 करोड़ परिवारों को बीमा कवरेज में शामिल किया जाना है।
सीबीआई के अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी अब एक बिहारी के नाम। सीबीआई के अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी बिहार से निकले आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रवीण कुमार सिन्हा मूल रूप से बिहार के हैं और गुजरात कैडर के 1988 बैच के पुलिस अधिकारी भी हैं। प्रवीण सिन्हा को सीबीआई निदेशक ऋषि शुक्ला के कार्यकाल खत्म होने के बाद पदभार सौंपा गया है। इसको लेकर हालांकि पहले ही आदेश जारी किया गया था। आपको बता दें कि प्रवीण कुमार सिन्हा साल 1996 में अहमदाबाद में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के निदेशक भी रह चुके हैं। नल जल योजना के मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन से एक बार फिर से बैठक का दौर शुरू कर दिया है। बैठक में वे नल जल योजना के मेंटेनेंस पॉलिसी को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। हर घर नल योजना आपको बता दें कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन योजना के मेंटेनेंस को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने अपना निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि नल जल योजना के लिए भी इस पॉलिसी को बनाया जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ही कहा था कि बजट में हर घर नल का जल योजना के लिए विशेष प्रावधान होंगे। बिहार में अब बन रहा है नया हाईवे एक्ट। पथ निर्माण विभाग ने बिहार में हाईवे को दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत अब बिहार में नए हाईवे एक्ट को लाने पर सोच विचार किया जा रहा है। बिहार सरकार ने सुदूर इलाकों से राजधानी पहुंचने का लक्ष्य 5 घंटे तक रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने अब इस एक्ट को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस एक्ट के माध्यम से हाईवे के चौड़ीकरण में आ रही परेशानियों को भी अब दूर किया जाएगा। चौड़ीकरण में हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने यह निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, बजट सत्र में इस अधिनियम को लाने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। विश्वविद्यालय शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन और भत्ते का बकाया भुगतान मामले पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। लंबे समय से शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतन और भत्ते का बकाया भुगतान का मामला सामने आता रहा है। हालांकि अब पटना हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सामूहिक बीमा दिए जाने वाले ब्याज नहीं देने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। इस मामले में अब कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 फरवरी को करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर रामसागर सिंह की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस ए अमानुल्ला ने सुनवाई की है। उन्होंने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई में तलब किया है। इसके साथ ही ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति, कुलसचिव और वित्त अधिकारी को तलब किया गया है। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत आज से। बिहार के सभी 38 जिलों में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन पूरा होने से पहले दूसरे चरण के अभियान की घोषणा कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के इस फेज में पुलिस, नगर निगम, सैनिक, रेलवे, हेल्थ सर्च, ऊर्जा, मानव संसाधन जैसे विभागों से जुड़े कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे फेज के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 फरवरी है। राज्य में अब तक 1,99,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स का निबंधन वैक्सीनेशन के लिए हो गया है। आपको बता दें कि पहले चरण के टीकाकरण अभियान में अब तक 56.7% ही टीकाकरण हुआ है। सरकार जागरूकता अभियान के तहत वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने में जुटी है। रुपेश हत्याकांड में परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए रुपेश का परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। बिहार पुलिस ने 3 दिन पहले हत्याकांड का खुलासा करते हुए यह दावा किया था कि रुपेश की हत्या रोडरेज के घटना के कारण हुई है, लेकिन पुलिस की थ्योरी को नकारते हुए रुपेश के भाई दिनेश सिंह ने कहा है कि इतने सामाजिक और हाई प्रोफाइल शख्स की सड़क पर हुए मामूली विवाद के 2 महीने बाद बेरहमी से हत्या होना गले से नीचे नहीं उतर रही है। रुपेश का परिवार इस मामले में हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जांच नहीं होने पर परिवार ने न्याय के लिए सड़क पर उतरने और सीएम आवास का घेराव करने का भी अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर विपक्षी दल भी सरकार को आड़े हाथ ले रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े राज्य के 3.5 लाख किसानों का होगा सत्यापन। केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को एक लिस्ट सौंपी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से जुड़े 3,28,000 किसानों का चयन किया गया है। इन किसानों का भौतिक सत्यापन होगा। इन किसानों तक सीधे योजना की राशि पहुंच सके, इसके लिए कृषि निदेशक ने प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। जांच पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि योजना के लिए योग्य किसानों तक यह राशि पहुंच रही है या नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य में इनकम टैक्स वाले 32,000 किसानों को सम्मान निधि की राशि बंद करने के बाद ये जांच का फैसला लिया है। इन 32,000 किसानों को अब तक ली गई राशि का भुगतान वापस विभाग को करना होगा।
पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की होगी खरीदारी। पंचायती राज विभाग ने आगामी पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही ईवीएम की खरीद की जाएगी। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड हैदराबाद मल्टीपोस्ट ईवीएम बनाती है, वहां से मशीन की खरीदारी की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में 6 अलग अलग पद होते हैं, इसलिए इस चुनाव के लिए मल्टीपोस्ट ईवीएम की जरूरत है। हर पद के लिए अलग अलग ईवीएम होगी। इस तरह हर बूथ पर वोटिंग के लिए 6-6 ईवीएम रखी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार में ईवीएम से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया थका हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का। इस क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के थके और कमजोर मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा है। अगर कोई फिर भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करता है तो किसी को भी उठाकर बलि का बकरा बना दिया जाता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध और पुलिस की तरफ से हाल ही में रूपेश सिंह के मामले में पेश की गई थ्योरी पर निशाना साधते हुए उक्त बातें कही है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार के कई जिलों का भी हवाला दिया है, जहां आए दिन अपराध के मामले देखने को मिल रहे हैं। बिहार के पहले अंतर्राज्यीय बस स्टैंड को बनाने में अभी भी लगेगा और ज्यादा समय। बिहार के पहले अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिसके बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ सही से चला तो सितंबर अक्टूबर तक यह बस स्टैंड पूरी तरह से चालू किया जा सकता है। जानकारों की माने तो इस बस स्टैंड के ज्यादातर बड़े कामों को पूरा किया जा चुका है, अब मुख्य रूप से फिनिशिंग से जुड़े काम बचे हुए हैं। काम पूरा होते ही यहां से सभी जिलों और दूसरे राज्यों के लिए लगभग 150 बसें खुलने लगेंगे। जानकारों की माने तो इस बस स्टैंड का एक हिस्सा फरवरी मध्य तक चालू हो जाएगा। यहां से इस माह गया और जहानाबाद के लिए बसें खुलने लगेंगी। फिलहाल यहां से 20 बसें गया जहानाबाद के लिए रोजाना खोलने की तैयारी हो रही है। जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में रिम्स को भेजा गया शो कॉज नोटिस। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में बीते दिन हुए सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को जमकर फटकार लगाया है। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन को शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। दरअसल कोर्ट ने पिछले सुनवाई में लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट को पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई थी और इसे पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बाद भी रिम्स प्रबंधन ने बीते दिन हुई सुनवाई में भी मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं किया, इसलिए अदालत ने प्रबंधन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। रविवार को भी करा सकेंगे जमीन और मकानों की रजिस्ट्री। राज्य के सभी निबंधन कार्यालय अब रविवार को भी खुले रहेंगे, यानी अब आम दिनों की तरह रविवार को भी अपने जमीन मकान या फिर फ्लैट का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। बिहार सरकार ने दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य पाने के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 मार्च तक ही लागू होगा। कोरोना के कारण लगभग 4 महीनों तक राज्य में निबंधन का काम बंद होने के कारण इससे मिलने वाले राजस्व में कमी आई है। राजस्व प्राप्ति अब भी अपने लक्ष्य से लगभग 1,500 करोड़ पीछे है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक हर रविवार को सभी निबंधन कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। सचिन तेंदुलकर पर भड़के राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। किसान आंदोलन को लेकर अब सदी के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के ट्वीट पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल सचिन ने अपने ट्वीट में किसान आंदोलन को ग्लोबल प्रोपेगेंडा बताते हुए अपनी टिप्पणी दी थी और भारत के मामले में विदेशियों को प्रतिक्रिया न देने की सलाह दी थी। इस पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो उन्हें अपनी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, शिवानंद तिवारी ने सचिन के प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग को लेकर ये तक डाला कि ये भारत रत्न का अपमान है। सचिन के ट्वीट पर उन्होंने सरकार का पक्ष रखने का इल्जाम लगाया है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1959 में भारत में केरल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में अन्ना चांडी को नियुक्त आज ही के दिन किया गया था। वह उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। देश का पहला पेसमेकर बैंक 1999 में कोलकाता में आज ही के दिन स्थापित हुआ था। आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6 फरवरी 2008 को आइसलैंड के राष्ट्रपति रेगरा ग्रिमसन से बातचीत की। आज के दिन 6 फरवरी 2008 को ही देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उद्योगपति एमपी जिंदल को उद्योग रत्न से नवाजा गया था। 6 फरवरी 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए 9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज ही के दिन दी थी। 1983 में भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत का जन्म आज ही के दिन हुआ था।
रालोसपा के किसान चौपाल को मिला किसानों का समर्थन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा राज्य में बीते मंगलवार से किसान संगठनों और किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान चौपाल चलाया जा रहा है। किसान चौपाल को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिला व क्षेत्रीय प्रभारियों से चौपाल से जुड़ी जानकारियां भी ली गई। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि किसान चौपाल को सफल बनाने के लिए 41 जिला प्रभारी बनाए गए हैं। इनके अलावे पार्टी ने 10 क्षेत्रीय प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। रालोसपा किसान चौपाल के जरिए बिहार के 10,000 गांवों में चौपाल लगाएगी और 25 लाख किसानों के घरों तक जाकर कृषि कानून से होने वाले नुकसान पर अपनी बात पहुंचाएगी। राज्य के 3 शहरों में बनेंगे 5 स्टार होटल। पर्यटन विभाग ने राज्य में 3 शहरों में 5 स्टार होटल बनाने की मंजूरी दे दी है। ये 5 स्टार होटल पटना, नालंदा और बोधगया में बनाए जाएंगे। इन तीनों शहरों में होटल के निर्माण का काम अप्रैल महीने में शुरू हो जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र होटल को ही 5 स्टार होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें 80 से 110 कमरे होंगे, साथ ही मॉल, जिम सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। वहीं बांकीपुर बस स्टैंड की 3.5 एकड़ जमीन पर 7 स्टार होटल बनाने का फैसला भी लिया गया है। पर्यटन विभाग ने गेस्ट हाउस को होटल के रूप में बदलने का निर्णय किया है, जिसकी शुरुआत गया के गेस्ट हाउस से की गई है। अब 3 साल तक बैंक में लॉक रहेगी आश्रितों की 50% की राशि। हिंसा प्रभावित आश्रितों के लिए अहम जानकारी है। गृह विभाग ने हाल ही में कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस बात की जानकारी दी है कि हिंसा में जान गंवाने वाले के आश्रितों को सरकार की तरफ से जारी किए गए राशि का 50% मुआवजा राशि 3 साल तक बैंक में ही लॉक रखने वाली है। इसके लिए बैंकों को भी स्थायी तौर पर निर्देश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने 4 शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शिक्षा, घर निर्माण और महंगे इलाज के लिए पैसे निकाले जा सकेंगे। जिसके बाद गृह विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है, जिसके बाद यह राशि आश्रित के बच्चों की उच्च शिक्षा, गृह संपत्ति निर्माण, महंगी चिकित्सा उपचार के लिए ही समय से पहले निकाली जा सकती है। 100वें टेस्ट मैच में जो रूट ने रचा इतिहास। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जहां इंग्लैंड टीम के कप्तान जो रूट ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ा और खुद को खास क्लब में शामिल कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो रूट 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले विश्व के 9वें बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में हाशिम अमला, ग्रीम स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग और इंजमाम उल हक जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का नाम शामिल है। सिर्फ यही नहीं, रूट 98, 99 और 100वें टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है उपेंद्र यादव, देवा सिंह, शिवम बाबू मौर्य, सोनू लाल कुमार, सुरेंद्र कुमार, यदुवंशी, मंखुश कुमार, अजीत राज, धनंजय कुमार, अनिश कुमार डे, चंदन कुमार, अनिल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सरकार को कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को देखने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार।